आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, वी हैव अ क्वेश्चन हियर। कंसिस्ट अ सेट ऑफ थ्री फिगर्स शोइंग अ सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर। द थर्ड क्वेश्चन फिगर शोस टू मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन पंच्ड। These three figures are followed by four answer figures from which we have to choose a figure which would most closely resemble the unfolded form of the third figure of a question. हमें यहाँ तीन फिगर दिए गए हैं। एक स्क्वायर पेपर था, उसे दो टाइम फोल्ड करके कुछ पंच करके कट लगाए गए हैं। नाउ इसको हम प्रॉपर अनफोल्ड करेंगे फिर से, तो कौन से इमेज से रिजेंबल करेगी ये हमें फाइंड करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड से सेकेंड फिगर में अनफोल्ड करेंगे तो हमें कुछ ऐसी इमेज मिलेगी। थर्ड से सेकेंड फिगर में कुछ ऐसे अनफोल्डिंग इमेज मिलेगी हमें जिसमें 1, 2, 3, 4 जो फोर कट्स थे वो प्रॉपर ओपन होके 1, 2, 3, 4, 5, 6 कट्स बनेंगे। इसमें बीच में एक स्क्वायर कट, बाकी चार ट्राइंगल्स एंड बीच में एक डायमंड कट होगा। नाउ इसको हम पूरा अनफोल्ड करेंगे स्क्वायर में, तब हमें कुछ ऐसी इमेज मिलेगी। इसको हम अपन अपर साइड में ओपन करेंगे सेकेंड से फर्स्ट इमेज में। इस इमेज से कौन सा ऑप्शन रिजेंबल करता है? फर्स्ट ऑप्शन नहीं करता। सेकेंड ऑप्शन हाँ रिजेंबल करता है। थर्ड ऑप्शन नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन नहीं, इसे रिजेंबल नहीं करता। तो हमारा आंसर होगा द बी ऑप्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।